दोस्तों नमस्कार। भारत सरकार के एक सरकारी खबर ने प्याज की खेती करने वाले किसानों की नींद उड़ा दी है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 16 जुलाई सन 2022। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि केंद्र सरकार ने प्याज के उत्पादन का जो नया आंकड़ा रिलीज किया है उसके मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल लगभग 50 लाख मेट्रिक टन अधिक प्याज होने का अंदेशा जताया गया है। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है, किसानों ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये सत्य नहीं है, ये एयर कंडीशन कमरों में बैठकर दिए गए आंकड़े हैं जबकि ग्राउंड रियलिटीज कुछ और है। तो इस खबर से महत्वपूर्ण ये भी है कि गौरतलब है कि पिछले 2-3 महीने में प्याज के दामों में बेताशा कमी दर्ज हो रही है और ये लगभग 50 पैसे से 5 रुपये किलो तक प्याज बिक रहे हैं जिससे किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। सरकारी आंकड़े यानी केंद्र सरकार के एक आंकड़े ने देश के प्याज उत्पादक किसानों की तकलीफें बढ़ा दी हैं। गौरतलब है कि प्याज के दामों में बड़ी गिरावट से किसान ऑलरेडी काफ़ी परेशान है और हमने इसका पूर्व आकलन विश्लेषण हमने अपने पिछले शो में भी दिया था। सरकार ने सन 2021-22 के लिए जो बागवानी फसलों के उत्पादन का जो दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है उसमें प्याज कैटेगरी का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 50,62,000 मेट्रिक टन अधिक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि पैदावार में इतनी वृद्धि की बात सरकार ने आंकड़े दिए हैं तो मार्केट के यानी सब्जी बाज़ार के मार्केट में दाम का सेंटिमेंट कैसा होगा, किसानों की हालत कैसी होगी, आप खुद अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन प्याज उत्पादक संगठनों ने किसानों ने केंद्र के इस आंकड़े के ऊपर बड़े सवाल उठा दिए हैं और कई तीखे प्रश्न भी कर दिए हैं। किसान नेताओं ने फसलों के अग्रिम अनुमान की जारी आंकड़ों के ऊपर विश्वसनीयता को ही एक पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। गौरतलब है कि पिछले 3 महीने में महाराष्ट्र के किसानों को बड़ा नुकसान प्याज को लेकर हो रहा है और ये 50 पैसे से 5 रुपये प्रति किलो तक प्याज बिक गया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने बताया कि सन 2021-22 के दौरान 3.17 करोड़ मेट्रिक टन प्याज होने का अनुमान है जबकि साल 2020-21 यानी पिछले साल ये 2.66 करोड़ मेट्रिक टन हुआ था, यानी पिछले साल से 50,62,000 मेट्रिक टन की अधिक पैदावार अधिक होने का उत्पादन होने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसको एक और भी हम सोचें तो नाफेड यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नाफेड ने 4 लाख मेट्रिक टन खरीदने का ऐलान किया था और उसने ख़रीदा सिर्फ 2.5 लाख टन ही यानी 2.5 लाख टन ही प्याज की खरीदी की थी और ऐसे में किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के रिकॉर्ड उत्पादन के पीछे बढ़ने का कारण भी सरकार ने स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि साल 2021-22 में 19.40 लाख हेक्टर में बिजाई की समाचार हैं जबकि साल 2020-21 में यानी पिछले साल मात्र 16.24 लाख हेक्टर में प्याज की बुआई की गई थी, यानी लगभग 3.16 लाख हेक्टर में प्याज की अधिक बुआई के आंकड़े हैं और इसको देखते हुए ही सरकार ने प्याज के उत्पादन में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। इससे सबसे ज़्यादा परेशानी महाराष्ट्र के किसानों को हो रही है क्योंकि यहां देश का लगभग 40% प्याज पैदा होता है। अब किसानों का कहना है कि प्याज का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला स्टेट है वो है महाराष्ट्र। यहां प्याज की खेती करने वाले किसानों के लिए महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संगठन का कहना है और इनके संस्थापक अध्यक्ष भारत दिगोले साहब ने कहा है कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए उत्पादन प्याज के उत्पादन के आंकड़ों को सिरे से उन्होंने नकार दिया है। उन्होंने यहां तक कहा है कि इसके पीछे कोई चाल भी हो सकती है
और उन्होंने ये भी कहा है कि प्याज की उत्पादन लागत पर मुनाफा जोड़कर सरकार इसका न्यूनतम यानी MSP रेट भी तय कर दे, वरना ऐसे आंकड़ों से किसानों को नुकसान होने की संभावना है। सरकार के ये उत्पादन के जो आंकड़े हैं इसके ऊपर भी मेथोडोलॉजी को भी देखते हुए उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। गौरतलब है कि किसानों का कहना है कि इस साल महाराष्ट्र में प्याज का उत्पादन लगभग 30% घट गया है। रवी सीजन के प्याज का उत्पादन प्रति हेक्टर 35 टन तक प्रति हेक्टर तक होता था, जबकि इस साल मात्र 25 टन के आसपास हुआ है, क्योंकि इस साल सबसे बड़ी तेज लू यानी हीट वेव आई और इससे करीबन 20% उत्पादन घट गया है। जबकि दिसंबर 2021 में रवि सीजन की प्याज की जब बिजाई या रोपाई चल रही थी तब भी बेमौसम बारिश से काफ़ी नुकसान हो गया था। मार्च 2022 के पहले सप्ताह में भी बेमौसम बारिश से नुकसान हुआ है। ऐसे में प्याज उत्पादक संगठनों का मानना है कि उत्पादन कम हुआ है। ये तो अब देखने वाली बात होगी कि सरकारी आंकड़े सही साबित होते हैं या फिर किसान प्याज उत्पादक संगठन सही साबित होते हैं। गौरतलब है कि पिछले साल भी हमने प्याज के ऊपर सटीक विश्लेषण दिया था। सही समय पर आपको जब प्याज बिल्कुल मामूली दामों पर बिक रहा था उस समय बड़ी तेज़ी की बात कही थी जो कि सत्य साबित हुई थी, और उसके बाद जब प्याज उच्चतम स्तर पर चल रहा था आपको आगाह करते हुए कहा था कि प्याज के ये उच्चतम स्तर संभवतः हो सकते हैं, इसके बाद कभी भी बड़ी गिरावट हो सकती है, और उसके बाद प्याज ने एक तरफा गिरावट दर्ज हुई। दोस्तों, प्याज के अंदर क्या संभावनाएँ आगे नज़र आ रही हैं, क्या होने की संभावना है, इसकी विशेष रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है कि 42 कमोडिटीज़ पर लगातार विश्लेषण अपडेट एवं खबर देने वाला देश का पहला चैनल दलहन तिलहन कपास अनाज प्याज मसाले इन सभी पर विशेष रिपोर्ट उपलब्ध है। सोना चांदी कॉपर एल्युमिनियम जिंक लेड साथ साथ स्टील और कोल पॉलीमर्स आदि पर भी विशेष खबर और रिपोर्ट्स के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।